बहन भी खड़ी है, उससे भी पूछते हैं, नहीं तो बहनें सोचेंगे ये शायद पता नहीं हमें लाभ होता है कि नहीं होता है, तुम्हें भी होता है। चलो अब बहुत देर से पश्चिमोत्तानासन कर रहे हैं हमारे भाई प्रकाश जी, करो अभी पूरा करो, बाबा के साथ करो। जी, स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं यहाँ 3 तारीख को आई ये हूँ, और जब मैं आई थी मेरा करो, ब्लड पांच शुगर सात चार बार सौ कर लो। बहत्तर से क्या ऊपर नाम, क्या था। नाम बेटा, नाम बताओ अपना। मेरा नाम रेखा अग्रवाल रेखा अग्रवाल, कहां से हो जी। बेटा? जी, मैं झारखंड लोहरदगा से हूँ अच्छा, जी। जब मैं आई थी तो मेरा शुगर था 472 472 रेखा जी का। ओ, जी और फिर इंसुलिन कितना लेती थी? इंसुलिन लेते थे 12 यूनिट ओ, और गोली खाती थी? जी, टेबलेट भी, सुबह में 1 टेबलेट, शाम में आधी लेती थी। हाँ तो मैं यहाँ आने के बाद भी 3 तारीख को इंसुलिन 6 यूनिट ली। हाँ मेरा ब्लड शुगर काफ़ी लो हो रहा था दोपहर के बाद, अच्छा, तो उसके बाद मैंने डॉक्टर से मिला तो उन्होंने बताया कि इंसुलिन नहीं लेना। तो उसके बाद अभी ब्लड शुगर 204, कभी 151, ऐसे चल रहा है। माने आधा तो ब्लड शुगर हो गया और इंसुलिन बंद हो गया, अब ये जी भी ठीक हो जी जाएगा। वजन मेरा 45 kg था, अभी 42 हो गया है चलो अब और ज्यादा मत कम करना है बेटा। जी। मैं तो थोड़ा वजन बढ़ाना चाहती बढ़ हूँ जाएगा। एक बात सुन लो, ये भी बता जी देता हूं, किसी जी किसी का एक बार थोड़ा कम भी हो जाए ना तो बाद में फिर बढ़ जाता है अपने आप, ना इसकी चिंता मत किया करो। चलो सीधे बैठो, सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं। और तो कोई तकलीफ नहीं थी रेखा? डायबिटीज के कारण से और तो कोई समस्या नहीं हुई ना? फैटी लीवर है बाबा, हाँ, और थायराइड भी है, थायराइड ये भी तो समस्या है, फैटी लीवर के लिए मैंने बताया था आपको, जी फैटी लीवर, थायराइड, कपालभाति, उज्जायी, जी फिर गले वाला सिंहासन, और ये पॉइंट भी दबाना है ना। इसी उद्देश्य से आई हूँ बाबा के दरबार में कि मैं पूर्ण तरह स्वस्थ हो तो जाऊँ। सारी बीमारियां तेरी और मिट जाएंगी बेटा ना, नहीं जी तो बाबा, कितना पैसा कोटि खर्च कोटि हो नमन जाता है, तन बर्बाद हो जाता है, धन बर्बाद होता है, घर परिवार तबाह हो जाते हैं बीमारियों में, बहुत बुरी हालत रहती है। बहुत आशीर्वाद बेटा, ठीक हो जाएगी, हिम्मत रखो ऐसे ही। ये तो मैंने, इंसुलिन छूट गया, जिनका इनहेलर बंद हो गया ऐसे कितने हैं, इनहेलर ये भी छूट जाता है, जिनको अस्थमा का इनहेलर लेना पड़ता है ना, तो ये तो प्राणायाम से तुरंत छूटता है, नहीं तो कहते डॉक्टर बोलता है दमा दम के साथ जाएगा, इनहेलर छूट जाता है, डिप्रेशन की गोलियां, और जो है करो करो लय के साथ सूक्ष्म। और किसी को कोई बड़ा लाभ हुआ हो, छोटे छोटे तो हम रोज सुनते हैं, आजकल छोटे लाभ सुनने की इच्छा ही नहीं होती, सबको पता है अभी वेट कम होता है, बीपी ठीक होता है, शुगर ठीक होता है, थायराइड भी ठीक होता है, अब तो कैंसर, पैरालिसिस, किडनी ठीक हुई है, क्रिएटिनिन घट गया है, ऐसे ऐसे गांठें खत्म हो जाती हैं। जिनको बहुत ज्यादा लाभ हुआ है वो खड़े होकर के बता सकते हैं, इधर पूछना भाई, एक बहन खड़ी है। जिन उससे दूसरों को प्रेरणा मिलती है, लेकिन नहीं तो मैंने देखा रोहन है लोग ना स्वामी इतने जी, निराश हो जाते हैं। ओम बेटा, मेरे को कोलाइटिस था और बीपी हाई था, नाम क्या है? जीजी सरोज, सरोज, कोलाइटिस की और हम कल ही बात कर रहे थे, जी 10 साल से कोलाइटिस था ये बाबा भयंकर जी। बीमारी है, कब्ज और कोलाइटिस, इससे तो लगभग लगभग पूरी दुनिया पीड़ित है। हाँ जी, और बिल्कुल खत्म हो गया कोलाइटिस, और बीपी हाई इतना था, 200 ऊपर चला जाता था, बेहोश हो जाती थी मैं। 200, हाँ उफ, जी, इससे तो फिर पैरालिसिस हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। 8 महीने मैंने घिया का जूस लिया और साथ में योगा किया, 19 किलो मैंने वेट कम किया अपना, उन्नीस क्योंकि किलो यस, क्या बात, और ब्रेस्ट में गांठे थी, मोमोग्राफी 4 बार हो चुकी है सर गंगाराम में, सारी रिपोर्टें मेरे पास हैं। फिर डिस्क स्लिप हो गई थी L4, L5, L6, वो भी मैंने ठीक की, डिस्क भी ऑपरेशन, ठीक कर ली और गांठी भी ठीक कर ली। गांठे भी अभी दोबारा मैंने करवाई नहीं मोमोग्राफी, क्योंकि ब्रेस्ट का साइज इतना ज्यादा था बाबा जी कि कहीं पे भी मतलब इतना अजीब लगता था, तो अब अपने आप साइज घट गया, तो मेरे को लगता है कि उसकी मोमोग्राफी की जरूरत ही नहीं। ये अपने आप ही एक्सपीरियंस हो रहा है, ब्रेस्ट में और गांठें, बीपी भी, थायराइड भी, कई ये तो बीमारियों का घर हो गई थी। हाँ कोलाइटिस तो बाबा जी ऐसा था, एडमिट होना पड़ता था इमीजिएटली सर गंगाराम हॉस्पिटल में दिल्ली, कोलाइटिस इतना ज्यादा था कि ब्लड और
बहने लगता था हा? जी उसमें मतलब खून निकलने लगता है, फिर बाद में उस यहां टाइम लगता पे है। तो ये था बाबा जी कि मरना अच्छा है इससे, तो क्योंकि इमीडिएटली रात को है मोशंस हो जाते थे और मरोड़ लगती थी, तो उसी टाइम लेके चलो, नहीं तो बेहोश होने वाली परिस्थिति होती थी। तो ये इतनी हिम्मत कहां से मिली? बाबा जी आपसे मिली, आपको मैं टीवी में देखती रहती हूँ, आज पहली बार मेरे को मौका मिला है कि आपको मैं अपने सामने से देख रही हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को, मेरा बेटा भी साथ आया हुआ है, MBBS कर रहा है वो, और उसको एक्सीडेंट हो गया था भयंकर, तो उसके हेडेक होता था, तो वो भी प्राणायाम से काफी अपने आप को कंट्रोल किया है उसने, ओ, और हस्बैंड को भी साथ लेके आई हूँ क्योंकि उनको शुगर है। तब और पूरे परिवार सहित आई है, सपरिवार। जी बाबा जी, और अब तो तो सिर्फ पूरा इसीलिए हिंदुस्तान सपरिवार आमंत्रित है। बोल बाबा जी समाएगा कहाँ? तो धीरे धीरे आएगा, एक दिन में थोड़ी आएगा, बाकी काम भी तो करेंगे, बीच बीच में आते रहेंगे। BP तो बाबा जी अब कल यहाँ पे चेक किया है 90 और 130 मिला है। क्या बात है, इसके लिए तो जोरदार अभिनंदन हो जाए भाई, हिम्मत वाली बहन है ये सरोज। नहीं तो आदमी हिम्मत हार जाता है, एक साथ इतनी बीमारियां हो ना तो उसको लगता है अरे साहब अब तो इससे मरना ही अच्छा है ना। बहुत आशीर्वाद अब बेटा। तो बाबा जी मैं वैसे जिम चलाती हूँ, जिम ट्रेनर हूँ, अरे और अभी शुरू किया है मैंने 4-6 महीने लो, से, जो तो पहले खुद घिसी फिरती थी अब वो जिम चला रही है। कि मैं अब जिम में और योग भी सिखाती है ना। योग ही ज्यादा सिखाती हूँ मैं, हाँ और उससे थायराइड पेशेंट मेरे पास 25 हैं, क्या बात है, ओनली इसने फॉर अपना लेडीज थायराइड का। ठीक कर लिया तो लोग भी हाँ जी, कहते उनको उनको ठीक हो रहा है बाबा जी, ये बिल्कुल लो। चलो जड़ से जोरदार ठीक हो अभिनंदन हो रहा जाए। है। तो ये तो इसने तो अपना प्रोफेशन ही बना लिया वह हेल्थ को। क्या बात है सरोज, जड़ से आशीर्वाद, ठीक हो रहा है बाबा जी, बिल्कुल थायराइड, बहुत आशीर्वाद सिर्फ बेटा। धनिया पानी दे करके और आपका योगा करवा करके मैं खुद उनको टाइम देती हूँ पूरा सुबह शाम। वैसे बहुत मेरा आशीर्वाद। देखो ये होम रेमेडी जो जहां आपको बताते हैं वो भी सबको बता रही है, आशीर्वाद। एक भाई इधर खड़े हैं, वो भी कुछ खास कहना चाहते हैं। कर लो, ये तो सूक्ष्म व्यायाम है, आगे पीछे दाएं बाएं से ऐसे गर्दन को दबा लेते हैं ना तो गर्दन एकदम रिलैक्स हो जाती है। ये छोटे छोटे व्यायाम है लेकिन बड़े उपयोगी है। क्या नाम है भाई? अरविंद भाई गुजरात से अनुपम मिशन से आए, हाँ और 2007 में मेरे को पैर का एक्सीडेंट हुआ था अच्छा, और बीच के घुटन के बीच में ज़्यादा चोट लगी थी, तो ओ तो दोनों हाथ घुटनों पर ऐसे गोल गोल घुमा लो। बहुत दर्द हो रहा था। हाँ फिर नरहरी आरोग्य केंद्र में बड़ौदा बताया, एक्सरे करवा के बताया कि पैर सीधा ही रखना पड़ेगा अब 12 महीना, और गोलियां खानी पड़ेगी। पैर मुड़ता ही नहीं था। नहीं मुड़ता था मगर दर्द ज्यादा होता था, तो रिपेयर करने में सीधा ही रखना पड़ेगा, और हर रोज की 45 रुपया की गोली गोली लिखी थी हाँ मैंने, खाली 3 दिन की ही गोली ली, और चोट भरने में तो 12 महीना लगे मगर काम तो चालू ही रहता, काम करता ही रहता, बैठता नहीं था, ओ और पैर मुड़ता ही था तो भी 12 महीने में क्लियर हो गया प्राणायाम से। प्राणायाम से जो पैर मुड़ता ही नहीं था अब वो पैर नौ वापस नॉर्मल स्थिति में आ गया। और पैरालिसिस भी मेरे को 2014 में हुआ था, पैरालिसिस हाँ, तो वो भी 3 दिन में ठीक हो गया था। प्राणायाम से, मैं कहता हूं ना जो स्टार्टिंग का पैरालिसिस है 3 से 7 दिन में ठीक हो जाता है, और चौथे दिन अनुलोम तो विलोम आधा आधा घंटा करना पड़ता है। इसके तो मेरे पास लाइव एग्जाम्पल है, कितनी कितनी देर किया था अनुलोम विलोम, वो दवाखाना में चालू ही रहता, सोने के टाइम ही बंद रखता था। ये लो। इसको तो ऐसी लगन लगी कि बाबा कहते हैं जब भी फुर्सत मिले करते ही रहो। इसने सोचा हॉस्पिटल में पड़े पड़े यहां जो है जिंदगी गुजारने से क्या फायदा, सुबह से शाम तक अनुलोम विलोम करता रहा, 3 दिन में पैरालिसिस ठीक कर लिया। ये है चौथे दिन तो मैंने स्कूटर चलाया, चौथे दिन स्कूटर चलाया, स्कूटर चलाया। ये बड़ा जोरदार लड़का है भाई। ये इसको कहते हैं हौसला। तो भाई इसके लिए तो फिर से अभिनंदन हो जाए। हाँ ये हौसला कि मैं रोगों से पराजित होने वाला नहीं, ये मैं जो बार बार बात कहता हूं ना, अहम इंद्रो न पराजिज्ञे कृतम में दक्षिण हस्ते जयो में सव्याहित, जो वेद में लिखा वो करके दिखा दिया इसने अरविंद ने। 3 दिन में पैरालिसिस ठीक कर लिया। ये हमारे डॉक्टर नीरज जी, डॉक्टर सलील जी और जो प्राकृतिक चिकित्सक, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं अपने यहाँ, 14-12 तो डॉक्टर हैं और 120 थेरापिस्ट हैं, सब आपकी सेवा में लगे हैं। अभी हम योग ग्राम में आ गए तो थोड़ी भीड़ भाड़ ज्यादा हो गई है,
फिर भी आनंद है ना, कोई ज्यादा परेशानी तो नहीं है, नहीं है? और थोड़ी बहुत हो भी जाए तो क्या गिनना परेशानियां। तो आज अनुलोम विलोम कर लो थोड़ा, ये बहुत जबरदस्त है। आचार्य कुलम के बच्चे भी आए हैं, ये राष्ट्रीय अध्यापक परिषद बेंगलुरु, नेशनल टीचर्स काउंसिल काउंसिल है बेंगलुरु में, वहां पर एक साइंस कंपटीशन हुआ, विज्ञान की प्रतियोगिता हुई, और उसमें आचार्य कुलम के बच्चे आशुतोष आर्य ने प्रथम स्थान, और राष्ट्रीय गणित प्रतियोगिता में ये हमारे छठी और आठवीं कक्षा के बच्चे हैं, छठी का तो आशुतोष है, और गणित प्रतियोगिता में, क्योंकि मैथ और साइंस काफ़ी टिपिकल सब्जेक्ट होते हैं, उसमें जो है आठवीं कक्षा के विद्यार्थी जतिन ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। तो दोनों बच्चे बड़े प्रसन्न होकर के आए, तो उनका कि हम गुरुजी का आशीर्वाद लेंगे, तो आओ इधर आ जाओ बच्चों, हमारे आदरणीय एल आर सैनी जी और सुब्रत जी जो हमारे प्रिंसिपल हैं, वो उन बच्चों को लेकर के आए हैं, तो इन बच्चों का बहुत बहुत अभिनंदन है। ये आचार्य कुलम हमारी बहुत बड़ी संकल्पना, जैसे मैंने आपको बताया, बार बार इस बात का संकेत किया है कि जो है सबसे बड़ा काम इस धरती पर है तो अच्छा इंसान बनाना है। वेद का भी उपदेश है, मनोर्भव जनयादव्यम जन्म, इंसान अच्छा होगा तो सारा जहान अपने आप अच्छा हो जाएगा, हर क्षेत्र में, कला से लेकर के संगीत साहित्य से लेकर के, हमारे भाई प्रकाश झाजी वाले क्षेत्र से लेकर के, बॉलीवुड से लेकर के, पॉलिटिक्स से लेकर के, हेल्थ स्पिरिचुअलिटी, हर सेक्टर में ऐसे प्रज्ञावान बच्चे होने चाहिए। तो आओ इन बच्चों को जो है, ये बच्चे डेली योग अभ्यास करते हैं, एक घंटा इनका योग का है, डेली योग करते हैं, यज्ञ करते हैं, एक एक इनका पुरस्कार दो, पहले सारा का सारा एक साथ मत दो, चलो इधर बैठ जाओ तो अच्छे फोटो आएगा तेरा, आप इधर झाजी के पास बैठ जाओ, लंबे हो झाजी जितने हो गए या आपके जितने, लो भाई एक बार, जोरदार अभिनंदन इन बच्चों का। ये लैपटॉप और इनके दूसरे इनाम हैं, चलो बहुत बहुत आशीर्वाद, जा ठीक है, चलो खूब आशीर्वाद बेटा, खूब आगे बढ़ो, हाँ जा जा, ठीक हो गया, हाँ दे दिया आशीर्वाद, तो पूरा दे दिया इनको, रोज ही आशीर्वाद देते हैं इनको। जैसे कहते हैं ना, अभी हमारा आगे सपना है कि देश के हर प्रांत में और हर जिले में आचार्य कुलम बने, उसके लिए ये पतंजलि आयुर्वेद का ये जो स्वदेशी का काम है, ये अर्थ कमाने के लिए नहीं है, परमार्थ के लिए है, और पतंजलि का सारा अर्थ ही परमार्थ के लिए, स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं है। तीन शब्द है ना, अर्थ स्वार्थ परमार्थ, या तो अर्थ स्वार्थ के लिए होता है या तो परमार्थ के लिए होता है, ये काम बहुत बड़ा होना है। और मैंने अपने जीवन में जिन कार्यों को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी है, हम जीवन में 5 से 10 कामों को सबसे बड़ी प्राथमिकता दे सकते हैं, इससे ज्यादा कामों को प्राथमिकता नहीं दे सकते, देख सकते हैं उनको, सुपरविजन कर सकते हैं, उसमें अपनी राय दे सकते हैं, उनमें जो है हम थोड़ा थोड़ा समय लगा सकते हैं। तो आप अनुलोम विलोम करना ही भूल गए, ये तो चालू रखो। तो मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता योग तो है ही, योग और अध्यात्म तो रहेगा ही रहेगा, दूसरे नंबर पर मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता है शिक्षा, शिक्षा एजुकेशन, और ऋषियों ने यही कार्य किया था।
हमारे सब ऋषि मुनि क्या चलाते थे, गुरुकुल चलाते थे, बड़े बड़े विश्वविद्यालय चलाते थे, देश के नागरिकों को तैयार करते थे। यह काम मूल कार्य था ऋषियों का, योग अध्यात्म, यह तो हमारा मूल है, यह मेरी प्रथम प्राथमिकता है। उसके बाद सबसे बड़ी प्राथमिकता मेरी शिक्षा है, शिक्षा ऐसी कि आप दो चार बच्चों को पढ़ाई कराते हो उसी में पूरे हो जाते हैं और पसीने आते हैं उसमें भी। आजकल मैंने दिल्ली मुंबई में सुना है, जहाजे आप तो देखते होंगे खुद, क्योंकि हमारे हमने तो पैदा नहीं किए ना इसलिए सुना सुना है, छोटे छोटे बच्चों का पांच पांच दस दस बीस बीस पच्चीस पच्चीस लाख तो नाक पूछने वाले बच्चों के एडमिशन के लगते हैं, छोटे छोटे नर्सरी में, बड़े बड़े स्कूल खोल रखे हैं जिन्होंने दिए हो 50 रुपये बता रहे 25-25 लाख साहब, 50-50 लाख। हमने आचार्य कुलम में तय किया है वहां गरीब और अमीर दोनों के बच्चे एक छत के नीचे बैठ करके पढ़ेंगे, कोई डोनेशन नहीं, जो उसको चलाने के लिए सामान्य फीस लगेगी वो भी समर्थ बच्चों से लेनी है और उसमें भी गरीब बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे, सेल्फ सस्टेनेबल नॉन प्रॉफिटेबल, ये काम होगा। शिक्षा का व्यापार बना दिया लोगों ने, अनुलोम विलोम करते रहो, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता मैंने कहा एजुकेशन, और इसमें भी गरीब अमीर सबके लिए समान हो, क्योंकि मैंने पक्षपात देखा है, हम छोटे बच्चे थे तो बड़े बड़े स्कूलों को देखा करते थे, उनमें घुसने के लिए अनुमति नहीं थी, आज तो ये बड़े बड़ी अट्टालिकाओं वाले हमारी पूजा करते हैं, आरती करते हैं, हमें गुरु जी बोलते हैं। पहले हम सोचते थे इन बड़े घरों में रहने वाले लोग कैसे होते हैं, उनके दर्शन दुर्लभ थे, मैं वहां से आया हूं, उन अभावों अंधेरों संघर्षों में धूल भरी गलियों से निकल करके। तो मेरे मन में एक संकल्प है कि भाई शिक्षा और चिकित्सा के नाम पर कोई पक्षपात ना हो, गरीब और अमीर दोनों को ये मिलने चाहिए, शिक्षा भी और चिकित्सा भी। अभी योगाग्राम में एक और विंग बना रहे हैं, अभी भी यहां सब तरह की व्यवस्था है, यहां 2,500 रुपए के ट्रीटमेंट से लेकर के रोज के 50,000 रुपए तक के हमने कमरे की व्यवस्था की है। कमरा क्या हो तो महल बना रखा है, क्योंकि हमने देखा, हां 2,500 में दो आदमी, 2,500 में दो आदमी से लेकर के और फिर 15,000 30,000 और 50,000, उसमें भी दो आदमियों से लेकर के पूरा कुनबा समा सकता है जो 50,000 वाला, उसमें हमने व्यवस्था रखी, क्योंकि मैं देखता था ये जो सो कॉल्ड थोड़े कॉर्पोरेट फील्ड वाले लोग हैं, थोड़े बड़े होदे पर रहने वाले लोगों कहते हैं हमारे अकॉर्डिंग यहाँ एकोमोडेशन नहीं है, मैंने कहा लो तुम्हारे अकॉर्डिंग, अभी आपको दिखाएंगे, हाँ आप भी फिर प्रचार करना प्रकाश जी है। अब हम अभी अब दोनों का करना 2,500 वाले में तो 6-6 महीने पहले बुकिंग ही नहीं मिल रही है, ये 50,000 वाला हमने क्यों रखा है तो तो ये हमने 50,000 वाला क्यों रखा, मैंने कहा एक एक नदी में थोड़ा पानी कम है, वो रीति हो गई है, सूख गई है, और एक नदी में पानी इतना उफान पर चल रहा है कि बाढ़ आ सकती है, तो मैंने कहा अमीरों से लो और गरीबों की सेवा करो, ये दोनों काम तो होना ही चाहिए। साधु का काम है सबकी समान रूप से सेवा करना, समर्थों की भी असमर्थों की भी, नहीं तो इसमें भी बड़ा भेद, कुछ लोग मैंने देखा धनवानों के गुरु हो गए थे, पैसे वालों के गुरु जी अलग, गरीबों के गुरु जी अलग, हाँ पैसे वालों के गुरु जी अलग, गरीबों के गुरु जी अलग, ब्राह्मणों के गुरु जी अलग, क्षत्रियों के गुरु जी अलग, वैश्यों के गुरु जी अलग, शूद्रों के गुरु जी अलग। मेरे से बोले बाबा जी आप की कौन सी जात है, मैंने कहा मैं ब्राह्मण भी हूं, मैं क्षत्रिय भी हूं, मैं ज्ञान से ब्राह्मण हूं, बल से क्षत्रिय हूं, और व्यवसाय से वैश्य हूं, और मैं सेवा से शूद्र हूं, चारों वर्ण आश्रम मेरे भीतर। तो मैंने कहा सर्वोच्च प्राथमिकता, फिर दूसरी शिक्षा को, फिर अनुसंधान को,
अनुसंधान रिसर्च बहुत बड़ी जरूरत है इसकी, और शुरू कर दिया हमने ऑलरेडी, करीब 500 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं हम रिसर्च के ऊपर, अभी और करेंगे। बोले बाबा जी, बाबा जी को तो झोपड़ी में रहना चाहिए। बाबा जी तो झोपड़ी में ही रहता है, लेकिन रिसर्च झोपड़ी में नहीं होती, उसके लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, करोड़ों करोड़ों पैकेज के साइंटिस्ट रखने पड़ते हैं। ये मैं पहले कहा करता था, आज से 15 साल पहले। बोले बाबा जी आप कहते रहो, ऐसे थोड़ी हो जाएगा रिसर्च, उसके लिए तो ये लगता है वो लगता है। मैंने सारी दुनिया के बड़े से बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट देखे और मैंने कहा इनसे भी बेस्ट बनाओ, और वर्ल्ड क्लास रिसर्च सेंटर। और अब तो आगे ये एजुकेशन में खाली प्राइमरी एजुकेशन ही नहीं, हमारा सपना है कि दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय भी आपका पतंजलि ही बनाने वाला है, दुनिया का सबसे बड़ा। हम कब तक नालंदा और तक्षशिला का नाम लेकर के मात्र अतीत का गौरव गान करते रहेंगे? अतीत के ऊपर गौरव होना चाहिए, फक्र होना चाहिए, लेकिन बिना वर्तमान के अतीत गतिहीन है और बिना अतीत के वर्तमान दिशाहीन है। इसलिए अतीत का गौरव लेके वर्तमान के सामर्थ्य को जगा के किस स्वर्ण भारत बना सकते हैं, ये कार्य है पतंजलि का। फिर गो माता की सेवा, ये मेरी अगली प्राथमिकता है। फिर जो अनाथ हैं, विकलांग हैं, गरीब हैं, उनकी भी सेवा। अब सारे सब अनाथों के तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं उसको प्राथमिकता देना चाहता हूं कि सब लोगों का उधर भी ध्यान जाए। अच्छी बात है कि इस सरकार ने विकलांगों को भी विकलांग नहीं कहा, उनको भी सम्मान दिया कि वो दिव्यांग है और उनके लिए कुछ योजनाएं शुरू की है पहली बार बड़े रूप में। अच्छी अच्छी चीजें हो रही, देश में एक अच्छा वातावरण बना है। और फिर अगली प्राथमिकता है कृषि, वो यहां चल रहा है, यहां चारों तरफ योग ग्राम में जो खेती हो रही है ये सब ऑर्गेनिक खेती है, गोमूत्र गोबर से हो रही खेती है। और गोबर गोमूत्र से जो हम खेती कर रहे हैं, करते रहो अनुलोम विलोम करते रहो, अभी थोड़ी देर ताली मत बजाना, आपका बीच में प्राणायाम छूट जाता है। गोमूत्र गोबर से जो खेती हो रही है उसमें ज्यादा उपज कर रहे हैं हम, 1 एकड़ जमीन में 3 से 5 लाख की आमदनी कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं उसके लिए। ये कार्य एक दिन में नहीं होता है, 15 सालों से चल रहा है, 15 सालों से चल रहा है। करीब 1000 एकड़ जमीन पर यह खेती का प्रयोग शुरू मतलब पूरा हो चुका है। अब पतंजलि को करीब लोगों ने जो दे चुके हैं और आगे प्रस्ताव हैं, करीब हिंदुस्तान में हमारे पास में करीब 50,000 एकड़ जमीन के प्रस्ताव है। फिर ताली बजा दी तुमने, अनुलोम विलोम करो। बोले बाबा जी राजी हो जाते तब ताली बज जाती है। और विदेशों से तो कई लाख एकड़ जमीन के, अलग अलग देशों से। अब वैसे हम मूल तो किसान ही है, किसान परिवार में पैदा हुए, और भारत तो ऋषि और कृषि का ही देश है, मूल देश। तो मुझे लगता है दोबारा खेती करनी पड़ेगी। प्रकाश भाई आप भी आओगे मेरे साथ? ये करते ही है, कह रहे हैं ये भी वहां भी घर में भी खेती कर रहे हैं और वहां भी जो है मुंबई में भी नई खेती कर रहे हैं, दोनों ही खेती है। तो चंपारण्य से आए, मैं भी चंपारण्य में गया हूं, महात्मा गांधी जी ने बड़ा आंदोलन वहीं से शुरू किया था। अब गांव वाले करना नहीं चाहते, उनको सिखाएंगे। ये खेती भी मेरी प्राथमिकता है, मैं प्राथमिकताओं की बात कर रहा था। और फिर अगली करते रहो, ये कपाल भाती या अनुलोम विलोम? कपाल भाती आप भी करो प्रकाश भाई, आप तो बड़ा अच्छा करते हैं, रोज करते हैं, अच्छी बात। डेली योगाभ्यास, डेली एक्सरसाइज, डेली फिजिकल फिटनेस के लिए जागरूकता होनी चाहिए। आप कितने बड़े बन जाओ, लोग कहते हैं ना बड़ा होना बड़ा मुश्किल काम है, और बड़े होने के बाद में बड़े बने रहो, इसके लिए फिटनेस रखो। हेल्थ नहीं है तो आपकी वेल्थ सब बेकार, और हेल्थ से आप वेल्थ को बढ़ा सकते हो। प्रॉस्पेरिटी और स्पिरिचुअलिटी ये पाना है जीवन में तो हेल्थ से ही होकर के रास्ता जाएगा। तो मैं बात कर रहा था प्राथमिकताओं की, और उन प्राथमिकताओं में से मैंने कहा 8-10 प्राथमिकताएं मेरी बड़ी हैं, उनमें से कुछ का मैंने कथन किया। फिर
ये बात मैं 20 सालों से बोल रहा हूं कि एक भी मेरा देश का व्यक्ति भूखा ना सोए, दरिद्र ना रहे। ऐसा एक वातावरण बनाना, मैं सबकी भूख तो दूर नहीं कर सकता लेकिन उस दिशा में कार्य कर रहा हूं। गरीबी मुक्त भारत के सपने सजबात बहुत दिखाए राजनेताओं ने भी, अभी तक भी गरीबी मिटाओ का अभियान चल रहा है, लेकिन हमने 1 लाख से ज्यादा लोगों को अभी तक रोजगार दिया है। आने वाले कुछ वर्षों में 4-5 सालों में 5 लाख लोगों को डायरेक्ट और करीब 5 करोड़ किसानों को इनडायरेक्ट रूप से पतंजलि से लाभ देना है, यह भी मेरा मकसद। बेरोजगारी मुक्त भारत, गरीबी मुक्त भारत, रोग मुक्त भारत और आध्यात्मिकता से युक्त भारत। तो मैं कुछ प्राथमिकताएं बोल रहा था, बहुत हैं ऐसे तो कार्य, मैं सैकड़ों काम करता हूं लेकिन तनाव में नहीं रहता हूं, ऐसे रहा करो, सब कुछ करते हुए भी असंग रहा करो, निष्काम अकाम रहा करो। तो देखो अब आपको एक चीज और बताता हूं, मॉर्निंग वॉक करना अच्छी बात है लेकिन वॉक नहीं करना चाहिए, जिसका जितना सामर्थ्य तेजी से चलना चाहिए और जो दौड़ सके उनको चलना नहीं चाहिए, उनको दौड़ना चाहिए। जैसे मैं दौड़ता हूं, सुबह सुबह दौड़ता हूं, मैंने पहले दिन से बहुत प्रेरणा दी, मेरे साथ जितने भी जवान जवान है आना, पहले दिन 5 आए, दूसरे दिन 3 आए, दूसरे अगले दिन फिर 2 आए, आज 1 ही रह गया राजपूत। हाँ सलील जी थोड़े दौड़े थे आधे समय। ये जो है हमारे साथ ही सुरक्षा वाले भी रहते हैं, शायद इनको भी पहला ऐसा बाबा मिला होगा जिसके साथ इनको सुबह 4 बजे उठ करके दौड़ना पड़ता है। ये तो फिट है, जवान है, दौड़ते बड़ा आनंद करते, इसके लिए जो है लालायित रहते हैं कि बाबा जी के साथ हमको ड्यूटी मिल जाए तो हमको भी योग की अध्यात्म की दीक्षा मिल जाएगी, हमारा तो काम का काम हो जाएगा और अपना कल्याण भी हो जाएगा। सुनो मैं आपको बता ये रहा था कि प्राणायाम लगातार कपालभाति अनुलोम विलोम आधा आधा घंटा करना है, बीच में थोड़ा सा बाह्य प्राणायाम उज्जाई भी हो जाए। किसी को और कोई जबरदस्त लाभ हुआ है अद्भुत तो वो हम रोज पूछते हैं, एक भाई उधर खड़े हो जाओ और तो चौकी पर बैठे हुए थे, उठ गए अपने सिंहासन से, 25 साल से योग कर रहे हैं। अच्छा कोई घटना घट गई थी, बाह्य प्राणायाम कर लो, ये तो कंपन हो गया। 5 साल में शांति कुंज में सेवा दिया हूं। अच्छा और आपके यहां भी थोड़ी सी सेवा देना चाहता हूं, रिसर्च इंजीनियर हूं मैं। अच्छा। विदेशों में रहा हूं। तो हाथों में कंपन हो गया था, हाथों में कंपन हो गया था, कंपन हो गया था पिछले 4 महीने से, कोई घटना हो गई थी फैमिली में। अच्छा ये कई बार ना मैंने कहा था ना, चिंता से तनाव से कई बार कंपन, अस्थमा का अटैक, हार्ट का अटैक, एक क्षण का तनाव में कहा ना दुख दे सकता है गहरा, तो एक क्षण का संकल्प। फिर कितने दिन में अब ठीक कर लिया? अभी मैं आया, 2 को आया हूं और अब कंपन आज ठीक है। ये लो अब ये चीजें हैं बड़ी, कि अब मैं आपको अगली बात कह रहा हूं, दौड़ना भी अच्छी बात है और बाकी तरह तरह के एक्सरसाइज मैं खुद भी करके बताता हूं वो भी अच्छी बात है, लेकिन प्राणायाम और ध्यान ये सबसे बड़ी बात है, इससे पूरा आंतरिक रूपांतरण होता है। तो चलो पूरा एक्सरसाइज से, झाजी सुन लो प्रकाश जी, एक्सरसाइज से हार्डवेयर तो अच्छे हो जाएंगे लेकिन सॉफ्टवेयर गड़बड़ रहते हैं फिर। हाँ इसलिए दोनों का मिक्स करना चाहिए, हार्डवेयर भी ठीक रहे, सॉफ्टवेयर भी ठीक रहे और अंदर से सोल तक की यात्रा आप कर सकें। इसलिए प्राणायाम ध्यान ये भी जरूरी है। खाली एक्सरसाइज करने से फिर स्टिफनेस थोड़ी आती है, मसल्स तो अच्छे रहते हैं, एक्सरसाइज होने से और भी बहुत बेनिफिट है, लेकिन इसलिए बैलेंस हर जगह संतुलन। बार कम से कम कर लिया करो इसको, मूलाधार से सस्रार तक अंतः शक्तियों का ऊर्ध्व आरोहण होता है।
जालंधर बंद, उडियान बंद, मूल बंद, तीनों बंद लग जाते हैं इसमें, जिससे जितना बन पाए उतना कर लेना। बाह्य प्राणायाम पूरा ना हो तो सांस को बाहर छोड़ के अग्निसार कर लें। और जब इसका अभ्यास पूरा हो जाएगा तो फिर नौली क्रिया भी हो जाएगी, है ना। वो तो थोड़ा कठिन है, लेकिन सबके लिए जरूरी भी नहीं है। उज्जाई तो सब कर सकते हैं, गले थायराइड के लिए बहुत जरूरी है, थ्रोट इंफेक्शन, सराउंडिंग स्लीप एपनिया, गले के जितने भी रोग हैं उनके लिए। दायां आंख बंद करके बाएं से छोड़ते थे। गले को टाइट करके श्वास अंदर भरते हैं ना, तो पूरा थायराइड का, पैराथायराइड का, गले का पूरा व्यायाम होता है ना इसमें। थोड़ी देर रोक के रखते अंदर, फिर इससे अभ्यंतर प्राणायाम हो जाता और दाएं नाक को बंद करके फिर बाएं से ऐसे छोड़ते। शुरू में थोड़ी खांसी होती है क्योंकि गला उतना स्ट्रांग नहीं होता है ना, ऐसे हो जाएगा। फिर बाद में फिर रोक करके फिर दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ना। अब आपको भस्त्रिका, कपाल भाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जायी, अनुलोम विलोम भी पूरा करा दिया। अब भ्रामरी उद्गीत करके समापन की ओर बढ़ेंगे और आइए अब पहले उंगली माथे पर, शेष तीन अंगुली आंखों पर। इसको भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं, नाद योग भी कहते हैं। कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद होगा नासिका से और आज्ञा चक्र में, जैसे आपको सूर्य का त्राटक कराया था ना, ऐसी उगते हुए सूर्य की तरह एक प्रकाश, एक ज्योति का दर्शन होगा और उसमें मन समाहित हो जाएगा। ओंकार ब्रह्म में मन को समाहित करते हुए करेंगे भ्रामरी।
वे दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में और उद्गीत प्राणायाम, आंखें बंद मन सहज, मेरुदंड सीधा, लंबा गहरा श्वास भरेंगे, ओंकार का उच्चारण करेंगे पूरी श्रद्धा एकाग्रता कृतज्ञता के साथ। और अब मौन हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे। ऐसे 5-7 बार ओंकार का जप करना, अधिक समय हो तो अधिक बार भी कर सकते हैं। थोड़ी देर शांत होकर के बैठे, दोनों हाथ घुटनों पर ही और श्वासों के साथ अपने स्वरूप में, अपनी निजता में, अपनी भीतर की दिव्यता पूर्णता में प्रतिष्ठित हो जाते। हम स्वभाव से ही ज्ञानमय, सुखमय, शांतिमय, ऐश्वर्यमय, दिव्यात्मा, शिवरूप आत्मा, ज्योति स्वरूप आत्मा, तत्त्वमसि श्वेत केतु प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिव। हर श्वास के साथ ऐसे ओंकार का ध्यान करते हुए आज्ञा चक्र या हृदय चक्र में मन को टिका के भगवान की स्तुति प्रार्थना उपासना में तल्लीन हो जाते, तन्मय हो जाते, तदाकार हो जाते, एकाकार हो जाते। भगवान के अनंत गुण कर्म स्वभाव, भगवान की अनंत महिमा है, भगवान का अनंत ऐश्वर्य है, उस असीम अनंत विराट में, अपरिमित ब्रह्म में समाहित हो जाना, ये ध्यान भगवान के साथ एक रूपता, भगवान की स्तुति अर्थात भगवान की महिमा को स्वीकार करना,
और फिर भगवान की जिस महिमा का हम बखान करते हैं, भगवान की दिव्यताएं हमारे जीवन में भी उतरे, ऐसे भगवान के चरणों में आराधना करना, याचना करना कि प्रभु आपकी दिव्यताओं से मैं युक्त हूँ, ये प्रार्थना, और भगवान की उन दिव्यताओं से युक्त हो जाना और हर पल भगवान के शाश्वत के प्रतिनिधि यंत्र बन करके जीना, ये उपासना। तो दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे, वैसे रोज 3 से 5 मिनट का ध्यान अवश्य करना, फिर धीरे धीरे ध्यान का कालखंड बढ़ाते जाना। और मैंने कहा था फिर 24 घंटे का ध्यान, 24 घंटे की योग साधना हमारा आचरण में योग आए, हम योगी की तरह आचरण करें और भगवान को विश्व में और विश्वातीत रूप में देखें। ये 24 घंटे का ध्यान, 24 घंटे की आस्तिकता, 24 घंटे की पूजा, 24 घंटे का योग हो जाता है। तब आज के समापन से पहले 2 प्रेरणा के शब्द हमारे भाई प्रकाश झावी आपके साथ शेयर करें, अपने जो हर आदमी अनुभव करता है जीवन के संदर्भ में, और योग और अध्यात्म जो हमारी मूल चेतना है, मूल संस्कृति है, तो ये भी स्वभाव से योगी है हमारे भाई। तो एक बार भाई प्रकाश जी, जो स्वयं नाम भी प्रकाश और प्रकाश में रहते हैं, एक बार जोरदार अभिनंदन। सत्व में रहना ही यही प्रकाश है। आदरणीय योग ऋषि बाबा जी, और सभी माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग, जितने सहायक सुरक्षाकर्मी, संगीत वंदना करने वाले सभी बंधु, मैं आज से नहीं, आज 20 वर्षों से बाबा रामदेव जी का अनुसरण करता रहा हूं। व्यक्तिगत संपर्क में नहीं रहा, लेकिन आध्यात्मिक संपर्क में तो रहा ही, यही मूल संबंध है। और